हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदेव आपका स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पीआईबी एनालिसिस करते हैं, और इस पीआईबी एनालिसिस की क्लास में मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लगातार आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि आपको क्लासेस अपने नियत समय से मिल नहीं पा रही है। इन चीज़ों के लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि समय से आप लोगों को क्लास की अवेबिलिटी हो नहीं पा रही है। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पीआईबी के सेशन को। और पीआईबी एनालिसिस में जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग खबरों को उसका सब कुछ देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि खबर क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप और स्टूडेंट के बीच में, मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक इंट्रैक्शन लेवल पे मेथड है, और उस पे चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर बातचीत होती है। पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होगा, लाइव टेस्ट क्विजेस होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप लर्निंग ऐप को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। आप सभी लोगों से मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। मेरा अगर संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँ तो मेरा संक्षिप्त परिचय सिर्फ इतना है कि मैं मुकुलदेव, टीचिंग जो है वो 2013 से मेरी पठन पाठन का कार्य चल रहा है। एक्सपर्टीज़ मेरा जोग्राफी, इकोलॉजी, डिज़ास्टर, सोसाइटी, करेंट अफेयर्स, इसमें मेरा एक्सपर्टीज़ है। अगर आप देखें तो आप मुझे टेलीग्राम जो ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका ये लिंक मैंने शेयर किया है। और अगर आप अनअकैडमी ऐप पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तो उसका ये लिंक मैंने शेयर कर रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि मेरी जो मेरा या यूपीएससी का जो मेथड है वो इंटरकनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स पे है, और मेरा जो पढ़ाने का सर्वाधिक बल है वो इंटरकनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स पे ही रहता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर अनअकैडमी में बेहतरीन टीचर्स का पूरा पूल है। मतलब अगर आप देखें तो कम से कम आपको ये मिलेगा कि इकोनॉमिक्स पे कम से कम 20 टीचर हैं, ज्योग्राफी पे 20-25 टीचर हैं, इकोलॉजी पे हैं, पॉलिटी पे हैं, आईआर पे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे हैं। तो आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेके, या आप एक बार मुकुलदेव के सब्सक्रिप्शन को लेके, आप उन बेहतरीन टीचर्स के सानिध्य में अपने जो है तैयारी को धार दे सकते हैं। देखिए, बेहतरीन टीचर्स का पूल है, गुर्जर साहब हैं, मुजित गुप्ता साहब हैं, अमन शर्मा साहब हैं, मृणाल पटेल साहब हैं, आयुष संघी साहब हैं, दीपांशु सिंह साहब हैं। ऐसे बेहतरीन टीचर्स का एक पूल है जो आपको साहब बनाने की दिशा में तैयार खड़ा है। 24x7 का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जाकर जुड़ सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की बात करूँ तो आप अगर प्लस और आइकोनिक कोर्सेस में, ये चूँकि बटा हुआ ये पाएंगे कि प्लस और आइकोनिक कोर्सेस में सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं। जैसे ज्योग्राफी की, अभी आपने नया ज्वाइन किया तो ज्योग्राफी के इतने कोर्सेस हैं, साइंस एंड टेक के हैं, एनसीईआरटी के हैं, आर्ट एंड कल्चर के हैं, एनवायरनमेंट के हैं, ऑप्शनल कोर्सेज के हैं, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग कोर्स है। तो पूरा का पूरा एक पूरा चीज़ें उपलब्ध हैं, आप कर सकते हैं। लाइव क्लासेस प्लस और आइकोनिक कोर्सेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। प्लस में लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप फीस को देखना चाहें तो एक महीने की जो फीस है वो 9,000 रुपये है। आप मेरा कोड अगर यूज़ करेंगे मुकुलदेव तो आपको एक 8,100 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन यूपीएससी की जो तैयारी है वो मिनिमम अगर सिलेबस को देखा जाए तो 1 से 1.5 साल के आसपास जो है वो आपको पूरे सिलेबस से गो थ्रू होने में लग जाता है। और 6 महीने और आपको चाहिए, 6 महीने और चाहिए ताकि उस सिलेबस को आप क्या करें, फाइन कर सकें। तो ऐसे में आप ये वाले कोर्सेस पे खाली, आप अगर आपको जज करना है तो आप इन कोर्सेस पे जा सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में रियल तैयारी है तो वो इन कोर्सेस पे आपको जाकर लेनी पड़ेंगी। 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने का कोर्स है। आप मेरा कोड यूज़ करके, सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरा कोड यूज़ करके आप मुझे ही जुड़ेंगे, मेरा यू कोड यूज़ करके आप सबसे जुड़ सकते हैं। और 12 महीने की फ़ीस अगर आप देखें तो 49,500 है, जो कि मेरा कोड यूज़ करके 44,550 रुपये आपको देनी होगी। वहीं 24 महीने 72,000 रुपये है, 64,800 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर, चूंकि तैयारी 2 साल की है, तो जिनको भी टारगेट है 2022 का है, 2023 का है, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वो 24 और 36 महीने के कोर्सेज पे जाएं। और 24 और 36 महीने के कोर्सेज पे, सुनो, 24 और 36 महीने के कोर्सेज पे थोड़ा सा जाएंगे, हाँ 24 और 36 महीने के कोर्सेज पे जाएंगे तो 72,000 फीस है, 64,800 रुपये आपको
यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। 36 महीने का 90,000 है, 81,000 पे करना पड़ेगा। मेरा कोड है मुकुल देवी, मेरा नाम जो है वही मेरा कोड है। आप इस कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहीं अगर आइकोनिक कोर्सेज की बात करूँ तो आइकोनिक कोर्सेज में जो फेवरेट चीज़ है वो मेंटरशिप है। मेंटरशिप है, सारी चीज़ें प्लस की बनी होंगी, मेंटरशिप आपको वहाँ ऐड होगी। मेंटरशिप इसलिए ऐड होना चाहिए क्योंकि लाइफ फ्लैट नहीं होती है, अप एंड डाउन लगे रहते हैं। इस अप एंड डाउन में जहाँ पर जब आप डाउन स्टेज पर, कोई आपको संभालने वाला चाहिए, कोई आपसे बात करने वाला चाहिए, कोई आपको मनोवैज्ञानिक सपोर्ट करे, कोई इमोशनल सपोर्ट करे, तो इस तरह का एक पूल आपको यहाँ पर मिलेगा आइकोनिक कोर्सेस में। उस मेंटरशिप में मैं तो रहूँगा ही रहूँगा, मैं आपकी मेंटरशिप में आपका हेल्प करूँगा ही करूँगा। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि प्रैक्टिस जो है वही यूपीएससी का जो रामबाण है वो प्रैक्टिस है। स्टडी प्लानर की स्टडी आपको प्लान कैसे करनी है, कैसे आपको पहले एनसीईआरटी जाना है, एनसीईआरटी थ्रू आप किन किन चीज़ों में जाएंगे, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर स्टडी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनलाइज फीडबैक, आप कितना विकास कर रहे हैं, आपका डेवलपमेंट रेशियो क्या है, तो इन चीज़ों को आपको कोई ग्राफ चार्ट से समझा सके, तो इस तरह के कोर्सेस आइकॉनिक कोर्सेस हैं। आइकॉनिक कोर्सेस में आप जा सकते हैं। फिर मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूँ कि जो लोग 2022-23 को टारगेट रख के करना चाहते हैं वो 24 महीने या 36 महीने पर जाएँ। 1,07,000 रुपये फीस है, 96,300 रुपये आपको देने होंगे। वहीं 36 महीने 1,41,000 है, 1,26,900 रुपये आपको देने होंगे। तो इस तरह के कोर्सेस आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं मेरे थ्रू, मेरा कोड यूज़ करके मुकुलदेव, 96,300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें ऑप्शनल कोर्सेस में देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऑप्शनल कोर्सेस में देखें तो आपको जितने भी लगभग ऑप्शनल कोर्सेस होंगे, मैं ये नहीं कह सकता कि 100%, लेकिन लिटरेचर के सारे कोर्सेस उपलब्ध हैं। साइंस में जो भी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट हैं वो हैं, आर्ट्स और ह्यूमन बैकग्राउंड्स के, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो जो है जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि लेने के पहले आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। आप अपने ऑप्शनल जो चैनल है यूपीएससी का, यहाँ पर अनअकैडमी का, वो फ्री यूट्यूब पे है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। देखकर आपको जैसा लगे आप निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं और किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में लेने के लिए आप मेरा मुकुलदेव कोड यूज़ कर सकते हैं। और एक बार आप मुकुलदेव कोड यूज़ करेंगे तो यू विल गेट बेनिफिटेड। और आप मुझे भी बता सकते हैं कि सर मैं आपका कोड यूज़ कर रहा हूँ। 1-6 महीने की कोर्सेज में तैयारी संपूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपको देखने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन 12 महीने की फीस लीजिए 27,500 रुपये है। और अगर आपने ऐसा एडमिशन लिया तो आप जरा कैलकुलेट करके देखेंगे तो कम से कम 2,000 या 2,100 रुपये आपके लगभग जो है एक महीने का आता है। तो जिन लोगों को फिर लंबी तैयारी करनी है, 2022 देना है, तो वो 24 महीने का कोर्स ज्वाइन कर ले, 40,000 रुपये फीस है, 36,000 रुपये वो देकर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इन कोर्सेज को आप कंपेयर करेंगे ऑफलाइन से तो तकरीबन 1.5 लाख का आपका जीएस का है, वो भी 1 साल का, और 50,000 के आसपास की फीस, 45-50,000 की ऑप्शनल के 2 लाख रुपये के आसपास की फीस है वो। यहाँ पर अगर आप 2 साल का भी कोर्स लेते हैं, आइकोनिक भी लेते हैं, प्लस आप यहाँ पे भी अगर 24 महीने की फीस लेते हैं, तो तकरीबन ये कम से कम आपको वहाँ से कम से कम जो है ये चीज़ें जो है वो कम से कम 40-50,000 रुपये आपकी बचत होगी और आपकी रीच में होगी। 24/7 आप जहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये एक नया तैयारी का मोड है। इसमें मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सीरियसनेस के साथ जुड़ें, जो है बोतल भी पानी, सीरियसनेस का एक नया मोड है, तो उसमें आप चीज़ों को आप जुड़ सकते हैं। द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमीफाइड UPSC CSE बैटल इज हेयर। मैं आप सभी लोगों से एक और विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हर सैटरडे को एक गेमीफाइड UPSC CSE बैटल की अनाउंसमेंट किया गया है, जो है उसमें आप अपनी भागीदारी कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरा कोड यूज़ करके आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए, और उस भागीदारी सुनिश्चित में आपको 45 मिनट का टाइम है, 60 क्वेश्चन है, आप इनको करके आप अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया स्टैंड कहाँ करते हैं आप ये चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है ये चेक कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन से आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है किसी भी चीज़ की, तो उस एक्सप्लेनेशन से फ़ायदा ये होगा कि आप वो गलतियाँ जीवन में नहीं दोहराएंगे। इन तरह की सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपका प्रोत्साहन करने के लिए
एप्पल मैकबुक एयर है, एप्पल आईपैड मिनी है, एप्पल एयरपोर्ड है, 1000 अमेजन वाउचर्स हैं। तो इस तरह की सुविधाएं भी आपको यहां पर मिलेंगी और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस है। देखिए तैयारी एक अलग है, प्राइस अलग है। प्राइस तो सबसे बड़ा यूपीएससी आपका हो जाए ये प्राइस है, लेकिन आपको मोटिवेट और चार्ज रखने के लिए ये अनअकैडमी की तरफ से एक प्रोग्राम है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप सभी लोगों को इतनी सूचनाएं देने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा विषय की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मेरी सोसाइटी की क्लास चल रही है, जिन लोगों को मुझे जुड़ना है मुकुलदेव करके आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो है टॉपिक है राजगीर नेचर सफारी, जो है नालंदा की बदलेगी किस्मत। तो यहाँ पर जो है नालंदा में कल जो है एक न्यूज़ आती है, और उस न्यूज़ में है क्या कि जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है उसकी एक बैठक होती है, उसकी 37th जनरल बॉडी की मीटिंग होती है, और उस जनरल बॉडी की मीटिंग को चेयरमैन जो चेयर्ड करता है या जो अध्यक्षता करते हैं वो यूनियन मिनिस्टर हमारे भारत के यशस्वी जो है केंद्रीय मंत्री साहब हैं, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के जो मंत्री साहब हैं, वो कल प्रकाश जावड़ेकर जी ने 37वीं आम सभा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अध्यक्षता की, और इस अध्यक्षता में उन्होंने नालंदा बिहार में जो है वो राजगीर चिड़ियाघर सफारी में दो नए चिड़ियाघर और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में शहीद अशफाकउल्ला खान प्राणी उद्यान को मान्यता प्रदान किया गया। ये दो चीजें हैं, देखिए समझने का प्रयास करिएगा, दो चीजें। कल एक तो 37th मीटिंग है, तो आपको यहाँ पर यह समझना है कि जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, जो सेंट्रल जू अथॉरिटी उसकी मीटिंग में जो है वो किस बात को मान्यता दी गई, तो चिड़ियाघर की। किसने दिया, तो चेयर्ड मतलब क्या है, सेंट्रल जू अथॉरिटी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चिड़ियाघरों को जो है या सफारी पार्क्स को या उद्यान को, इस तरह के प्राणी उद्यान को, तो मान्यता देने वाली संस्थान कौन सी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी है। और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो हमारे केंद्रीय मंत्री साहब हैं, पर्यावरण और वन मंत्रालय के जो मंत्री साहब हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये कल एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ एक मतलब सिंपल वे में मैंने आपको पूरी की पूरी न्यूज़ जो है वो डिक्टेट कर दी कि न्यूज़ क्या थी। अब इस न्यूज़ से थोड़ा सा हम लोग जो है वो अपने आप को शिफ्ट करते हैं, और चलते हैं थोड़ा सा हम लोग चीजों को लेके आगे की तरफ। तो पहले किसी बात को समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो ये जूलॉजिकल गार्डन्स हैं या चीजें हैं तो ये होती क्या है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, और भारत सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चाहती है, जैव विविधता का संरक्षण चाहती है। उस जैव विविधता के संरक्षण में भारत सरकार दो तरह के प्रयास करती है, एक तो इनसीटू होता है, एक तो एक्सीटू होता है। इनसीटू का मतलब होता है कि स्थान विशेष पर ही, जहां पर है वहीं पर, स्थान विशेष पर ही क्या है वहीं पर संरक्षण का प्रयास कर दिया जाए, प्रोटेक्शन का प्रयास किया जाए, कंजर्वेशन का प्रयास किया जाए जहां पे है। तो इस तरह के प्रयास को जो है इनसीटू प्रोटेक्शन कहा जाता है, जिसमें जो है नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, कहीं ना कहीं सैक्रेड ग्रोव्स होते हैं, पवित्र जो है वन होते हैं, उपवन होते हैं, पवित्र झीलें होती हैं, और ये जो है वो कहीं ना कहीं अगर बायोस्फीयर रिजर्व को देखा जाए तो स्थलीय और जलीय दोनों हो सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्य है, जैव विविधता को बनाए रखना, बढ़ाए रखना, बचाए रखना भारत सरकार चाहती है, उसलिए इसमें इनसीटू। उसका एक प्रयास होता है एक्सीटू का, एक्सीटू का मतलब होता है यहाँ पर स्थान विशेष पर ही, यहाँ पर स्थान विशेष पर नहीं होता, यहाँ पर शिफ्ट होता है, चीज़ों को क्या किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, और इस एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को संरक्षित करने का जो प्रयास है उस प्रयास को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें क्या है, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, आर्बेटा है, जूलॉजिकल गार्डन्स है, एक्वेरिया है, सीड बैंक, फील्ड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, सैक्रेट प्लांट्स, होम गार्डन्स, ये सब है। इसमें हम लोग जो बात करनी है आज हम लोग को वो जूलॉजिकल गार्डन्स की या केंद्रीय चिड़ियाघर की बात करनी है, हमको सफारी पार्क्स की बात करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बात यहाँ पर करनी है। अब देखिए ये जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं, ये जो जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, इनका महत्व क्या है, ये जानवरों के कहीं ना कहीं संरक्षण करते हैं, ये जो जानवरों का संरक्षण करते हैं, चिड़ियाघर जानवरों की जो चिड़ियाघर हैं इनके अंतर्गत जो आते हैं वो कहीं ना कहीं दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण में जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
और कहीं ना कहीं जो घायल हैं, बीमार हैं, जो पशु बीमार हैं, घायल हैं, उनकी देखभाल यहाँ पर की जाती है, उनका केयर टेकिंग होता है, जूलॉजिकल गार्डन्स में केयर टेक किया जाता है। और अगर वो इस तरह का लुप्त प्राय प्रजातियों भी अगर है तो उनको भी संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। जानवरों का जो व्यवहार है, जो पोषण है, जो आवश्यकताएं हैं, या जो उनका प्रजनन चक्र है आदि को समझने के प्रयोगशाला के रूप में भी जूलॉजिकल गार्डन्स को देखा जाता है। तो ये कुल मिलाकर इसको अगर आप कह सकते हैं तो मैं महत्व पे बात कर रहा हूँ, इस पर फिर से एक बार बात कर लेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि कहाँ से जूलॉजिकल गार्डन्स का कॉन्सेप्ट आया, तो उस कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है उस दिशा में मैंने आपको बताया कि कंजर्वेशन करने का जो मेथोडोलॉजी है, जो तरीका है, उसमें एक इनसीटू तरीका है, एक एक्सीटू, एक्सीटू तरीके में जूलॉजिकल गार्डन्स की स्थापना पे कहा गया है। अब जरा हम लोग थोड़ा सा इस पे जो है एक्सीटू पे देखने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है या सेंट्रल जू अथॉरिटी जिसको कहा जाता है, सेंट्रल जू जो अथॉरिटी है, सेंट्रल जू जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं एक क्या है, एक वैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा क्या होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपने कल देख लिया। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि कल जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल जू अथॉरिटी की बैठक थी, उसकी 37वीं आम बैठक थी, और उस आप बैठक को चेयर्ड किसने किया, तो पर्यावरण मंत्री ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया। तो पर्यावरण मंत्री जो है, जो पर्यावरण मंत्री है वो उसकी अध्यक्षता करते हैं, ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। देश भर में जितने भी चिड़ियाघर हैं, अगर आप जितने भी चिड़ियाघरों को देखेंगे पूरे इंडिया में, तो उन चिड़ियाघरों की जो अध्यक्षता, उन चिड़ियाघरों को जो विनियमित करने का प्रयास करता है कि वो कैसे रेगुलेट होंगे, पूरे के पूरे जूज कैसे रेगुलेट होंगे, उन उनमें क्या क्या गतिविधियां होंगी, मतलब क्या क्या वहाँ चीज़ें होंगी, कैसे उनका देखभाल होगा, कैसे उनका संरक्षण किया जाएगा, कैसे उनके भोजन की व्यवस्था की जाएगी, इस सब का जो गाइडलाइंस होता है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत में वो किसकी जिम्मेदारी होती है, वो सेंट्रल जू अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है। तो देश भर के चिड़ियाघरों को विनियमित करने का जो प्रयास है वो किसका है, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल जू अथॉरिटी का है। तो हो सकता है, देखिए ये पीटी का टॉपिक है, आपको हो सकता है ये बात पूछे कि जो कोई भी एक सफारी पार्क ले ले, लायन सफारी पार्क ले ले, भालू सफारी पार्क ले ले, या फिर हाथी सफारी पार्क ले ले, या इस तरह से जितने चिड़ियाघर हैं बंगाल का ले ले या कहीं का भी ले ले, और इस तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि ये किस अथॉरिटी के अंतर्गत या इसको जो है रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, तो इसको रेगुलेट करने वाली जो संस्था है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, वो पूरा का पूरा देखती है। तीसरी चीज, कल अगर आपने देखा तो शहीद अशफाकउल्ला खां वाला जो है या राजगीर नालंदा वाला है, तो उसको मान्यता किसने दी, उसको मान्यता सेंट्रल जू अथॉरिटी ने दी। तो तीसरी लाइन यही है कि देश के प्रत्येक चिड़ियाघरों को संचालन के लिए सीजेडए से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। असल में हुआ क्या कि अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद अगर 70-72 के आसपास देखते हैं तो चिड़ियाघर का प्रचलन तो था भारत में, लेकिन लगातार चिड़ियाघर प्राइवेट्स भी खुलने लगे थे। इसीलिए 92 के बाद यह प्रयास किया गया कि इस तरह के चिड़ियाघर प्राइवेट्स न हो सकें और उनको जो मान्यता है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से मिले। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी का जो तीसरा निर्माण करने की जो जरूरत भारत सरकार को पड़ी, कि क्या जरूरत थी सेंट्रल जू अथॉरिटी, तो पहली जरूरत थी कि कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया रेगुलेट करने वाली बॉडी चाहिए, इसलिए सेंट्रल जू अथॉरिटी है। कहीं ना कहीं जो जितने चिड़ियाघर हैं उनको मान्यता देना, उनको वैधान, उनको जो है मान्यता देना कि ये भारत सरकार का अंग है या सेंट्रल जू अथॉरिटी का, तो उसके लिए जो है सीजेडए की स्थापना की गई। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप इस सेंट्रल जू अथॉरिटी के प्राधिकरण को देखने का प्रयास करते हैं कि ये प्राधिकरण कैसे बना हुआ है, तो इसमें 10-1 अध्यक्ष, तो अध्यक्ष आपको क्लियर है कि कहाँ का है, और 2-10 सदस्य होते हैं, टोटल जो है इसके मेंबर्स 10 होते हैं। और प्राधिकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो वन्य जीव के संरक्षण में, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि वन्य जीव के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को पूरा करना। और ये बात मैंने आपको कहीं ना कहीं क्लियर भी की कि जो वन्य जीवन का इसका जो सीजीडे है इसका वन्य मतलब राष्ट्रीय प्रयास को पूरा करना, इसीलिए जो है इतने भागों में वो इनसीटू और एक्सीटू में बटा हुआ है। कहीं ना कहीं जो सीजीडे है, सेंट्रल जू अथॉरिटी है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि रख रखाव कहीं ना कहीं जो है
वो जानवरों जो 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 वहां पर जानवर है उसका पूरा रख रखाव का ध्यान देना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके स्वास्थ्य का देखभाल करना, उसका हेल्थ कैसा है, उसका केयर टेकिंग करना, केयर टेकिंग करना, उसके हेल्थ की केयर टेकिंग करना। और कम से कम न्यूनतम ये जो सीजेड है ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएगा। स्टैंडर्ड बनाएगा मतलब कुछ मानक तय करेगा, कुछ मानक तय करेगा, कुछ मानदंड तय करेगा। और उनको पूरे वो इंडिया में, अगर आप देखें कि पूरे इंडिया में जितने भी चिड़ियाघर हैं, यहाँ पे जितने भी चिड़ियाघर हैं वो रेगुलेट किससे होंगे, तो वो रेगुलेट सीजेड से होंगे। ये बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। वन वन प्लस टेन होगा, अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता कौन करेगा, तो आपको मैंने ये बातें क्लियर कर दी हैं। इसके बाद हाल के दिनों में, अभी एकदम रिसेंट न्यूज है कि कहीं ना कहीं जो सीजेड है उसका पुनर्गठन किया गया, और उसमें अब स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के द्वारा भी जोड़ा गया है एक आदमी को, कि सीजेड विल नाउ इंक्लूड एन एक्सपर्ट फॉर द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। क्या जरूरत थी आर्किटेक्चर को ज्वाइन करने की, क्योंकि हम अब जो भी चिड़ियाघरों को देख रहे हैं या बना रहे हैं, उन चिड़ियाघरों को, चूंकि चिड़ियाघर क्या है, या चिड़ियाघर या जो जूलॉजिकल पार्क हैं, वो संरक्षण करने का प्रयास है, देखभाल करना है। तो ऐसे में हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि कहीं ना कहीं उन प्रजातियों को जिनका हम संरक्षण कर रहे हैं उनका कंफर्ट जोन खराब ना हो। पता चला हाथी है और उसको हमने कम लिमिटेड स्पेस दे रखा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हमारे पास प्लानिंग और आर्किटेक्चर के लोग होंगे तो हम उनके कंफर्ट जोन का भी ध्यान रख पाएंगे। इसीलिए सीजेडएन ने अभी परिवर्तन किया है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से एक आदमी शामिल हो रहा है। दिल्ली के विशेषज्ञ और एक आणविक जीव विज्ञानी भी शामिल होंगे, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी शामिल होंगे, क्योंकि इन चीजों का उनको देखभाल ध्यान रखना है। चिड़ियाघर जो है वो कहीं ना कहीं, अगर ये बात पूछा जाता है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा ये गाइडेड हो रहा है, और उसके बाद राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1992 के द्वारा ये निर्देशित किया जाता है। ये कुल मिलाकर मैंने आपको यहाँ की जो भी खबरें थी, या जो भी सेंट्रल जू अथॉरिटी को मैंने जोड़ने का जो प्रयास किया वो मैंने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से किया, उस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में एक्सीटू से किया, और फिर इसको जो सीजेड है इसको कैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जाकर ये बनता है ये मैंने बताया। फिर इसके बाद मैंने बताया कि उसका कार्य क्या होता है। देखिए कार्य, आप कितने कार्यों को रट सकते हैं, सारे कार्यों को तो नहीं रट सकते, तो आपके पास एक दो फ्रेमवर्क होना चाहिए कि देख रेख करना है, केयर टेकिंग करना है, बहुत किसका केयर टेक करना है, तो केयर टेक करना है किसका, जानवरों का करना है, उन जीव जंतुओं का करना है जो वहां पे हैं जूलॉजिकल पार्क्स में, उनकी केयर टेकिंग करनी है, और उनकी केयर टेकिंग में हेल्थ की केयर टेकिंग करनी है उनके। तो ये बात आपको बड़ा इजीली हो सकती है दिमाग में। और क्या करना है, स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स को बनाना है जिसकी वजह से पूरे इंडिया का क्या हो, चिड़ियाघर रेगुलेट हो सके। बस यही दो बातें आपको ध्यान रखनी, इन दो बातों को ध्यान में रखने के बाद आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ध्यान में रखना है, और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई, तो 1992 में हुई। तो ये आपको इतनी मोटी बातें ध्यान रखनी है। 10 सदस्य होते हैं और अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ये मैंने आपको बता दिया। अब जरा थोड़ा सा हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। जो राजगीर चिड़ियाघर सफारी नालंदा बिहार में, ये कहीं ना कहीं जो है बिहार के एरिया में है, और यहाँ पर एक तरह का संरक्षण करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया गया है। अब जरा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और चीजें देखते हैं। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्योग, ये गोरखपुर में है, गोरखपुर जो है वो आध्यात्मिक नगरी है उत्तर प्रदेश की जो है, वहां पर उस आध्यात्मिक नगरी में कहीं ना कहीं जो है ये एक नया प्रयास जो है वो किया गया है। नाम शहीद अशफाकुल्ला खां पे है, तो थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं और शहीद अशफाकुल्ला खां को समझने का प्रयास करते हैं, अशफाक साहब को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री जुड़ रही है, और चूंकि पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो इंटरकनेक्टिविटी है, तो जहाँ आपने एक तरफ ज्योग्राफी देखी है तो थोड़ा सा हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मैं पढ़ाना बहुत नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे। अशफाकुल्ला खां का नाम आपके दिमाग में आया तो शाहजहांपुर आना चाहिए, कि शाहजहांपुर में इनका जन्म स्थान होता है, पठान के घर में पैदा होते हैं ये। महात्मा गांधी जी ने जो है उस समय एक मूवमेंट चलाया था जिसको असहयोग आंदोलन कहा गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा गया था। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए चीजें तैयार कैसे की जाती हैं। नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट चलाया था
महात्मा गांधी साहब ने, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने लोगों से अपील किया था कि असहयोग करिए, टैक्सेस को मत पे करिए, सरकार से असहयोग करने की उन्होंने बात की थी। और ये जो बातें हैं, इस बात को जो है उस समय का जो मतलब युवा वर्ग था वो फॉलो कर रहा था, इवन देन नहीं युवा वर्ग तो भारत के लोग फॉलो पूरा कर रहे थे। लेकिन ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये एक घटना घटती है जिसको चौरी चौरा कहा जाता है, चौरी चौरा कहा जाता है। और इस चौरी चौरा के घटना के बाद होता क्या है, इस घटना में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेके वहाँ चौरी चौरा में जो गोरखपुर में ही स्थित है वहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेके चीज़ें बदलती हैं और लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, चौरी चौरा के जगह पर प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें जो है ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं उग्र हो जाता है और तकरीबन 22 पुलिसमैन के आसपास लोग जो है वो वहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अब इस चौरी चौरा के घटना के बाद गांधी जी बहुत आहत होते हैं और आहत होने के कारण वो असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। इससे क्या होता है, जो पूरा यूथ है, जो जो पूरा जनमानस में जो युवा वर्ग है, वह युवा वर्ग आक्रोशित होता है, आक्रोशित होता है कि इतना अच्छा चल रहा था और सिर्फ एक गलती की वजह से आपने क्यों ले लिया। और सिर्फ गलती ऐसी नहीं थी कि गलती हम ही लोगों की थी, गलती उन पुलिस वालों की भी थी। तो इसलिए महात्मा गांधी से लोग थोड़ा सा उनकी इस विचारधारा से आक्रोशित होते हैं, जनमानस में क्षोभ पैदा होता है। और इसी यूथ का एक हिस्सा का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है अशफाक उल्ला खां, ये उसी यूथ का हिस्सा रहता है। और उस यूथ के इस हिस्से ने फिर क्या करने की कोशिश करते हैं, तो एक क्रांति करने की कोशिश करते हैं। और इस क्रांति में इन्होंने कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी हो जाते हैं, एक सेकंड बस होल्ड करिएगा, रिवोल्यूशनरी हो जाते हैं। और इस रिवोल्यूशनरी होने में एक ट्रेन जाती है शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए, और ये तमाम जो है स्टेशन से पैसा इकट्ठा करके ये ट्रेन जो है लखनऊ जाती है और लखनऊ जमा करती है, ये सबको पता था। तो शाहजहांपुर से लखनऊ के जाने के क्रम में काकोरी एक स्थान पड़ता है लखनऊ से थोड़ी दूर पे, काकोरी के स्थान पर यहाँ पर क्या किया गया, इस ट्रेन को जो है वो क्या कर लिया गया, इस ट्रेन के में जहाँ पर पैसा रखा था उसको क्या कर लिया, लूट लिया गया। किसके द्वारा, तो उसमें जो शामिल लोग थे उसमें अशफाक उल्ला खां का नाम एक था, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी साहब थे, ठाकुर रोशन साहब थे, अशफाक उल्ला खां थे। तो ये लोग रिवोल्यूशनरी होकर उस पैसे को क्या करते हैं, उस पैसे को लूट लेते हैं। और उस पैसे को लूटने के बाद धीरे धीरे इन चीज़ों की खोज होने लगती है। 1925 की ये घटना है, 1925 में घटना घटती है। अब इस घटना के बाद इन लोगों की खोज होती है, रामप्रसाद बिस्मिल साहब पकड़े जाते हैं और तमाम लोग पकड़ने के बाद अशफाक उल्ला खां भी पकड़े जाते हैं। और अंतिम में इनको डेथ सेंटेंस दिया जाता है, मतलब जीवन से ही जो है मुक्ति दे दी जाती है, 1927 में मुक्ति दी जाती है। इस तरह से भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन करने में, क्रांतिकारी परिवर्तनों में जो बड़ा नाम है वो अशफाक उल्ला खां साहब का है। 1927 में फैजाबाद में इनको हैंग टिल द डेथ की जो है वो दे दी जाती है। तो एक बड़ा नाम है अशफाक उल्ला खां। और ऐसे में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अशफाक उल्ला खां के नाम पे जो राष्ट्रीय उद्यान बनाने की बातचीत की है, यह अपने आप में जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास के साथ साथ कहीं ना कहीं मुख्य धारा के हिस्ट्री से जोड़ने का भी प्रयास है, ताकि हमारी पीढ़ी ये समझ सके कि हमारे लिए अशफाक उल्ला खां साहब कौन थे। हम अपने को जब देखें, जब बहुत सारा कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकतावाद की बात की जाती है, तो हम अपने लोगों में यह देख सकें कि हमारे जो राष्ट्र के निर्माता थे उसमें जाति और वर्ग का भेद नहीं था। वह सिर्फ हमारे लिए क्या थे, वो हमारे लिए ये थे कि हम वो हमको आज़ादी दिलाना चाहते थे, वो अपना राष्ट्र चाहते थे। तो ऐसे में जाति और वर्गों की बात नहीं थी। तो इन चीज़ों के प्रयास में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और भारत सरकार जो है वो संलिप्त है, और अशफाक उल्ला खां के नाम पर ये चीज़ें वहाँ पर की जा रही हैं। तो ये कुल मिलाकर शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्योग गोरखपुर है। और अगर जो लोग थोड़ा यूपीपीसीएस सुसेस देते हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल अब 9 चिड़ियाघर जो है वो हो जाएंगे। तो ये मैंने कुल मिलाकर आपके लिए बात कर दी। इसको आप थोड़ा सा, मैंने आपके लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने की कोशिश की है कि जिससे आसानी से आपको जो है चीज़ें जानकारी हो जाए। जूलॉजिकल पार्क में अगर कुछ नाम देखिए, मैं जो इम्पॉर्टेंट नाम हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं आपको, तो कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है जिसको मैं बता देता हूं। अलीपुर जो जूलॉजिकल पार्क है जो कलकत्ता में, ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं।
इंदौर में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इसको जानते रहिएगा। उसके बाद जो है महाराष्ट्र, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, तेलंगाना में नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझे रहिएगा। यहाँ पर केरला वाली एरियाज में दो तीन नेशनल पार्क हैं, उसको थोड़ा सा समझे रहिएगा, क्योंकि स्नेक पार्क हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। थ्रिशूर जू बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो है आप अगर आएंगे तो यहाँ असम के स्टेट में आइएगा, और असम स्टेट जू कम नेशनल पार्क, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए नेशनल पार्क वो जरूर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, सॉरी नेशनल पार्क नहीं, वो बोटेनिकल गार्डन्स या जूलॉजिकल पार्क, सॉरी मैं नेशनल पार्क बार बार बोल रहा हूँ, वो जूलॉजिकल पार्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि अभी न्यूज़ में है किसी बात को लेके, या फिर वहाँ पर कोई बात हो रही है, तो उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि उनका लोकेशन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी स्पेशियलिटी क्या है, मतलब किस चीज़ के संरक्षण के लिए किया गया है। तो इस तरह से लोकेशन स्पेशियलिटी पे आप थोड़ा सा बल जरूर से दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट मतलब जो है ऐसा नहीं होता कि चूंकि उसको पता है कि सारे लोग यही तैयार कर रहे हैं, तो वो वहां से थोड़ा सा डिफरेंट एटीट्यूड पे आपके मतलब अवेयरनेस को चेक करने के लिए कुछ और थोड़ा सा पूछ सकती है। तो इस चीजों पे हम लोग जब पीटी आएगा तो हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और न्यूज में है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये क्लियर किया। मैं हम लोगों ने क्या समझा, तो हम लोगों ने समझा कि सेंट्रल जू पार्क होता क्या है, ये XC2 कैसे होता है, इसमें कैसे स्थापना होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, और इन कार्यों के बाद अभी जो नालंदा और ये है उसमें शहीद अशफाकुल्ला खां के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। तो ये कुल मिलाकर हमने जो जानकारियां मैंने आपसे साझा की और जो आपको समझाने का प्रयास किया, वो कुल मिलाकर ये है। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं एक न्यूज है आप लोगों के लिए, भारत की जो सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी है बिजली मंत्रालय के तहत, उसने जो है NTPC इसका नाम है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट पावर कॉरपोरेशन है, बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम NTPC लिमिटेड ने जो नर्मदा का लैंडस्केप है अधिग्रहण परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कुल मिलाकर ये जो है यहाँ पर न्यूज़ है NTPC की तरफ से है, और नर्मदा लैंडस्केप अधिग्रहण परियोजना को लागू करने के लिए उसने एक समझौता किया है। 4 साल का जो ये परियोजना है वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ओंकारेश्वर और महेश्वर बांधों के बीच में नर्मदा नदी की चयनित सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लागू की जाएगी। ये कुल मिलाकर मैंने आपके लिए न्यूज़ कर दिया। थोड़ा सा अगर आप देखें तो नर्मदा नदी को अगर आप देखने की प्रयास करते हैं तो यहाँ से देखिए कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको यहाँ याद रखने पड़ेंगे। बरगी डैम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भेड़ा घाट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नदियाँ हैं जैसे हिरन नदी है, जैसे मान नदी है, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंदिरा सागर ये पूछा जाता है, ओंकारेश्वर पूछा जाता है, महेश्वर पूछा जाता है, सरदार सरोवर पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पर्यटन स्थल भी हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो अभी किया गया है वो ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह का NTPC के थ्रू किया जाने की कोशिश की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो ये जो परियोजना है वो एक कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन तंत्र होगा जो वन और कृषि समुदायों को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ताकि वे एक ऐसा लैंडस्केप या प्रैक्टिसेस को बनाए रख सकें। ये एक बड़ा चीज़ है, एक बड़ी चीज़ है। वहीं दूसरा जो है वो सहायक नदियों में पानी की गुणवत्ता और मात्रा में भी सकारात्मक प्रभाव इसकी नजर आने की उम्मीद है अगर ये लैंडस्केप बन गया। वहीं तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये किसान और जो वन समुदाय हैं जो वहाँ रहते हैं उन लोगों को लाभान्वित करेगा, उन लोगों को तमाम तरह के अवसर जो है वो उपलब्ध वहाँ पर कराएगा। और ये जो कंसोर्टियम है वो कहीं ना कहीं जो शहरी जलापूर्ति है उसके शुद्धिकरण का बेहतर तरीका और जो स्मार्ट शहरों में पानी की गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए भी प्रयास करेगा। तो ये छोटी सी एक खबर थी, इस खबर को हम लोग थोड़ा सा छोटे में ही ले लिए। हम लोग चलते हैं जो इम्पोर्टेंट खबर है, इन्वेस्ट इंडिया पे एक खबर है। कल एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र ने इन्वेस्टेड इंडिया जो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को
2020 को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको समझना होगा कि अंकार्ड क्या है और दूसरा इन्वेस्ट इंडिया क्या है, ठीक है। ये मैंने दो टॉपिक यहाँ से लेते हैं हम लोग। कल फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अंकार्ड एक जो यूनाइटेड नेशन का संस्थान है, उस संस्थान ने जो भारत सरकार का जो इन्वेस्ट इंडिया प्लान है, उस इन्वेस्ट इंडिया को कहीं ना कहीं जो है वो संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में जो है वो चुना है और उसको विजेता के रूप में घोषित किया है। तो इस पुरस्कार का जो समारोह है वो जिनेवा में आयोजित किया जाएगा, ये एक खबर है। अब इस खबर को हम लोग लें कैसे, तो अंटार्ड को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो अंटार्ड है इसको थोड़ा सा हम लोग अभी समझते हैं कि अंटार्ड है क्या। तो अंटार्ड के बारे में मैं आपको बताता हूं कि अंटार्ड जो है वो है क्या। स्क्रीन बस होल्ड कर, बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं कि अंटार्ड एक यूएनओ का एक संस्थान है, यूनाइटेड नेशन का संस्थान है। इसका उद्देश्य क्या है, अगर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्यों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो उद्देश्य, अंटार्ड का उद्देश्य है वह अल्प विकसित जो देश हैं, जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के उन मानकों पर नहीं है, उनको त्वरित आर्थिक विकास करना, उनका इकोनॉमिकल डेवलप करना। तो किसका इकोनॉमिकल, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना मतलब आर्थिक विकास करना है। किसका करना है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब जो अभी विकसित नहीं है उनका आर्थिक विकास करना है और ट्रेड को बढ़ावा देना है, व्यापार को बढ़ावा देना है, बिजनेस को बढ़ावा देना है, कहीं ना कहीं व्यापार को। और वो व्यापार कैसा होगा, तो इंटरनेशनली ट्रेड होगा, इंटरनेशनली ट्रेड होगा। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना है, बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन करना है, प्रोत्साहित करना है। और विकास की नीतियां जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, डेवलपमेंट पॉलिसीज है, उनको बनाना भी काम किसका है, तो उसको बनाने का काम भी अंटार्ड का है। अंटार्ड का दो तीन मेन फीचर आपको याद रहना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अल्प विकसित देशों का करना है, ट्रेड को बढ़ाए रखना है, डेवलपमेंट पॉलिसीज को करना है, कहीं ना कहीं सरकार और क्षेत्रीय जो आर्थिक समूहों की व्यापार और विकास नीतियों में सामंजस्य लाना है, जो सरकार हैं और जो क्षेत्रीय आर्थिक समूह हैं, जैसे ईयू, यूरोपियन यूनियन एक आर्थिक समूह है, इस तरह से जैसे सार्क का आर्थिक समूह है, इसी तरह से तमाम आर्थिक समूह हैं, इन आर्थिक समूहों और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाए रखना, इसका ये जो है वो काम है। अब मैं अंटार्ड के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि 1964 में ये संस्थान बना। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितनी ये ऑब्जेक्टिव पे मैंने बातें की। 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारिस प्रस्ताव के अंतर्गत इसका स्थापना हुई। तो 1964 में आप इसको याद रखिएगा, जिनेवा इसका मुख्यालय है। सेकंड बातें आपको ये याद रखनी है, और इसका सम्मेलन जो है वो चार वर्षों पर होता है, और कहीं ना कहीं इसमें इसके जो मुख्य अंग हैं उसमें व्यापार पे ही बात होती है, पूरी तरह से समर्पित संस्थान है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। व्यापार पे होती है, वस्तु और सेवाओं पर होती है, कहीं ना कहीं गुड्स पे होगी, सर्विसेज पे होगी, और इस गुड्स और सर्विसेज का इंटरनेशनली मार्केट कैसे बढ़े इस पे बात होगी कि इंटरनेशनली मार्केट कैसे बढ़े। फिर इस गुड्स और सर्विस में कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, इन चीज़ों पे भी बात होती है। कैसे टेक्निकल इनोवेशंस पे ध्यान देकर इसको पूरे वर्ल्ड में हम लोग फैला सकते हैं, इस पे बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए
तो निवेश तकनीक से जुड़े वित्तीय मामले, व्यापार प्रोत्साहन और विकास संबंधित यहाँ पर काम होता है। तो ये कहीं ना कहीं अंटार्ड जो है इस चीजों के रूप में है। तो आपसे अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अंटार्ड ने अभी क्या-क्या इन्वेस्ट इंडिया को प्रोत्साहन के तहत जो है पहला पुरस्कार दिया है। अंटार्ट के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि 1964 का जिनेवा में ये इसकी स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र का अंग है। मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ट्रेड बढ़ाना, और जो ट्रेड है व्यापार बढ़ाना, वो किसका बढ़ाना, कैसे कहाँ बढ़ाना, तो इंटरनेशनली मार्केट में बढ़ाना। किस चीज का बढ़ाना, तो गुड्स और सर्विसेज का बढ़ाना। उस गुड्स और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं इनोवेशन की भी बातचीत करते हैं, इन्वेस्टमेंट की भी बातचीत करते हैं, टेक्नोलॉजीज की भी बातचीत करते हैं। ये अंटार्ड का जो है वो कहीं ना कहीं अंटार्ड के विषय में आप ये बातें कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि ये कुछ रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये कुछ जो है वो रिपोर्ट्स फाइनल करते हैं। ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देखेंगे तो जो रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट में मैं एक एक रिपोर्ट का नाम बताता हूँ, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछती है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये एक जारी करता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट का, ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट व्यापार एवं विकास, व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी करता है। दूसरा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी जारी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप थर्ड देखें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के साथ साथ जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, कि वो कौन से क्षेत्र हैं जो बहुत ही कम विकसित हैं, अल्प विकसित देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट भी जारी करता है ये। ठीक है, मैंने जब उद्देश्य ही आपको बताया था तो उसी उद्देश्य में मैंने कहा था कि इसका उद्देश्य ही है क्या, मैंने उद्देश्य कहा था कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को आगे बढ़ाना, तो वो देखिए रिपोर्ट इस पे जारी करता है। कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, कैसे ट्रेड बढ़ाया जाए, इंटरनेशनली ट्रेड बढ़ाया जाए, उसके लिए कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, उसके लिए कैसे इनोवेशन बढ़ाया जाए, कैसे टेक्नोलॉजिकल, तो उसके लिए वो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकालता है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट निकालता है। इसके साथ साथ ये तीन तो इंपॉर्टेंट है और ये तीन आपको याद भी हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो एक और है जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट भी जारी करता है, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट भी जारी करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ जो है वो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट जारी करता है, ये तकनीक पे मैंने बात आपसे की ही थी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी वो जारी करता है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी जारी करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा। और जो छठा है जिस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है वो कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। तो ये कुल मिलाकर रिपोर्ट पे है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पे है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट है, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट्स जो है वो जारी की जाती है अंकटैट के द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात जो है वो सिर्फ इतनी है कि आपको उद्देश्य याद होना चाहिए, और अगर आपको उद्देश्य याद है जिस पे हम लोगों ने बात की थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास को बढ़ाना उन क्षेत्रों में जहां पर अल्प विकसित क्षेत्र हैं, व्यापार एवं निवेश को बढ़ाना, और व्यापार कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ाना, उसके लिए डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाना, उसके लिए विकास की नीतियों को तय करना, कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेस को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसके मुक्त बाजार की व्यवस्था को बढ़ाए रखना, और उसके लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज की वो बात करते हैं। तो इतनी बातें जिसको याद होंगी या जो इतना अंकटाड को समझता होगा उसके लिए ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे उसको समझ में आएगा कि हाँ ट्रेड और डेवलपमेंट पे बात करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पे भी बात करता है, लीज डेवलपमेंट कंट्रीज पे भी बात करता है, इस पे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट पे भी बात करता है, इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट और कमोडिटीज, हो सकता है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़े। तो ये कुल मिलाकर मैंने अंकटाड पे आपके लिए
मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग इन्वेस्ट इंडिया को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इन्वेस्ट इंडिया है वो इन्वेस्ट इंडिया है क्या, क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया को चुना गया है। तो इन्वेस्ट इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है, जो इन्वेस्ट इंडिया लाया गया, उसका जो मुख्य था वो ये था कि जो उद्यमी हैं, जो भारत में उद्यम हैं, उनको व्यवहारिक निवेश सूचनाएं सुलभ कराता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो इन्वेस्ट इंडिया था वो भारत सरकार, भारत में आप इन्वेस्ट करिए, और चूंकि अंटार्ड क्या चाहता है, अंटार्ड भी इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो यहाँ पर भारत सरकार ने अपने जो उद्यम हैं, जो अपने उद्यम हैं या जो अपनी कहीं ना कहीं एंटरप्राइजेस हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, उनमें FDI ले आने के लिए, फॉरेन से पैसा आए वहां पर, उसके लिए भारत सरकार ने इन्वेस्ट इंडिया की जो है वो बनाया। और दोनों देशों में कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान करने वाले अवसरों पर अपना ध्यान केंद्रित हो और कंपनियों को आवश्यक सहयोग मिले जहां से आ रहा है और जहां आ रहा है। ये जहां से, मान लीजिए फिनलैंड है, यहां से आ रहा है, तो ये कंपनी हमको यहाँ अगर FDI लेके आई तो वो हमको टेक्निकली भी सपोर्ट करे, इनोवेटिव मेथड से सपोर्ट करे। तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट इंडिया पे हम लोगों की बातचीत है कि इन्वेस्ट इंडिया ये एक टोटल हमको करना है। एक और चीज मैं अगर आपको बता दूं इन्वेस्ट इंडिया के बारे में, तो सबसे बड़ी बात कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया है, भारत की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन सुविधा एजेंसी है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रूप में काम करता है। भारत में निवेश अगर करना है तो आप इन्वेस्ट इंडिया के तहत आ सकते हैं। और इट इज इंपॉर्टेंट कि ये नॉन प्रॉफिट वेंचर है, कोई ऐसा प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है। किसके अंतर्गत है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को जरूर से ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह नॉन प्रॉफिट वेंचर जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंतर्गत आता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित है। ये चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्ट इंडिया, अंटार्ड और इन्वेस्ट इंडिया को मैंने आपको बता दिया जो है। थोड़ा सा एक न्यूज और है, उस न्यूज को हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं। हाथी गलियारे पे बातचीत हो रही है, एलिफेंट कॉरिडोर पे। तो नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है उसने उड़ीसा सरकार को कहा कि भाई आप जो है राज्य में हाथियों के एक आवास से दूसरे आवास तक मुक्त प्रवास प्रदान करने के लिए आप एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाइए। जैसे मेरा कहने का अर्थ समझिएगा कि जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो ये चाहती है कि उड़ीसा में, चूंकि उड़ीसा में हाथियों की संख्याएं और संख्या बहुत ज्यादा है, तो हाथी चेस चूंकि क्या है उसका मास बॉडी जो वॉल्यूम है, मास बॉडी वॉल्यूम का मतलब उसका जो पूरे शरीर का अनुपात है जो है काफी लंबा चौड़ा है, तो उसके उसको क्या चाहिए, लंबा क्षेत्रफल चाहिए होता है अपने जीविकोपार्जन के लिए, मतलब अपनी ब्रीडिंग एक्टिविटीज के लिए, फीडिंग एक्टिविटीज के लिए उसको बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है। तो बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है, तो होगा क्या कि अगर ये मान लीजिए एक उसके लिए एलिफेंट का एरिया है, तो एलिफेंट क्या होता है, यहां से मूव आउट करता है, तो मूव आउट करने के बाद वो उन क्षेत्रों में चला जाता है जो कि क्या है, वो उसके क्षेत्र नहीं होते, वह कहीं ना कहीं मानवीय अधिवास होते हैं या ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब मानवीय आवास होंगे, मानवीय बस्तियां होंगी, मानवीय बस्ती होगी या खेती बाड़ी का क्षेत्र होगा। तो इस तरह से होता क्या था कि कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन को प्रॉब्लम एलिफेंट से और एलिफेंट को प्रॉब्लम ह्यूमन से होती थी। तो NGT ने ये बोला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला कि उड़ीसा सरकार इस बात पर ध्यान दे और कहीं ना कहीं वो एक एक्शन प्लान बना के दे, एक्शन प्लान बना के दे किसके लिए, 14 मार्क एलिफेंट कॉरिडोर्स के लिए, ताकि वो क्या हो, ताकि एक जैसे एक एलिफेंट कॉरिडोर, एक एलिफेंट की जगह थी रहने की, और मान लीजिए ये एक थी, अब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में मान लीजिए एलिफेंट अपने खाद्य या अपने रसद के लिए मूव करता है और ये यहां से मूव करता है, तो ये दोनों ह्यूमन सेटलमेंट में आते थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। तो अब NGT ने बोला कि इसके और इसके बीच में क्या करें, आप ऐसी जगह बनाइए जिसको आप एलिफेंट कॉरिडोर बोलिए, और जो कि क्या है विकास की गतिविधियों से दूर रहेगा और एलिफेंट आसानी से इसमें क्या करें, इससे मूव करके यहां चले जाएं और यहां से मूव करके यहां चले जाएं ताकि उनको आसानी हो सके। तो इस तरह NGT ने कहा कि आप उस एक्शन प्लान को बताइए, आप यह करके बताइए, प्रिपेयर करके बताइए,
और आपको 3 महीने का समय दिया जा रहा है कि 14 मार्ग टेलीफोन कॉरिडोर्स, ताकि वो आसानी से एक जा सकें, फ्री माइग्रेशन फ्रॉम वन हैबिटेट ऑफ एलिफेंट टू अनदर इन द स्टेट, ताकि वो आसानी से आ जा सकें जो है। इस पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बातचीत जो है वो कर रखी है। अब जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है। तो कहीं ना कहीं एक संकीर्ण भाग है, नैरो स्ट्रेच है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 2 एलिफेंट की जगह होगी और इन 2 एलिफेंट के ये अपने रहने वाले क्षेत्र हैं। इसमें ये कैसा है, नैरो है, तो इसकी ये विशेषता है नैरो होगा, संकीर्ण क्षेत्र होगा, जिससे हाथी क्या है, हाथी आ और जा सकती है, यहां से इधर जा सकती है, यहां से यहां जा सकती है। किस लिए? अपनी ब्रीडिंग एक्टिविटीज के लिए, अपनी फीडिंग एक्टिविटीज के लिए, अपने भोजन की तलाश में, अपने बच्चों को जन्म देने की तलाश में वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकती है। और इससे क्या होगा, यह संकीर्ण भाग होगा। और जो 2 बड़े, एक ए, ये इसका एक आवास है, ए है मान लीजिए, और ये बी आवास है, इन दोनों के बीच में उसकी उपस्थिति होगी। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हाथी गलियारा के विकास से हाथियों का जंगल में ही न केवल रोकना संभव होता है, बल्कि उनके आबादी वाले इलाकों में घुसने की घटनाएं भी कम होती हैं, जिसकी वजह से असल में हाल के दिनों में, चूंकि देखिएगा सबसे बड़ी जो समस्या हुई, जो बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके मिल रही है कि ह्यूमन जो है, देखिए जैसे ये पूरा हाथियों का एरिया है, ये मान लीजिए मैं कह रहा हूँ हाथियों का एरिया है। अब हाथियों का एरिया था, ये क्या है, ये एक एरिया है जिसमें ह्यूमन सेटलमेंट है, मान लीजिए ये ह्यूमन सेटलमेंट है और ये एलिफेंट का आवास है। अब अगर क्या था कि इन दोनों के बीच में अब हाथी यहां से यहां मूव करता था, तो ये ह्यूमन सेटलमेंट आता था, जिसकी वजह से क्या होता था, एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता था, और इसमें सबका नुकसान होता था, ह्यूमन का भी होता था, एलिफेंट का भी होता था। वो उसके खेतों को खराब कर देता था और चीजों को, और ह्यूमन उसको मारता था तो उससे भी खराबी आती थी। तो भारत सरकार ने अब इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर जैसी जो संकल्पनाएं हैं उनको लागू करने का और पुरजोर प्रयास कर दिया, और इस एलिफेंट कॉरिडोर के माध्यम से अब ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उस रास्ते का ही निर्माण कर दिया जिस रास्ते पर न ह्यूमन जाए, खाली उस पर एलिफेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक आवास से दूसरे आवास तक अपने जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या होगा, रुकेगा, और इससे जो है वो कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो हाथियों और मानव की जो संघर्ष की बढ़ती हुई कहानी है, उस कहानी पे रोक लगेगी और यह एक गलियारे के रूप में 2 बड़े आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम कर सकता है। ये बड़े याद रखिएगा, जिसका मास बॉडी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा उसी के लिए ये इस तरह की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं यह गलियारा जो है वह एक नया तरह का संरक्षण का प्रयास है। मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि कंजर्वेशन भारत सरकार का, भारत सरकार बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे कंजर्वेशन की प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत सरकार ने इस बड़े जानवर के लिए, इसके संरक्षण के लिए गलियारे का या कॉरिडोर्स का वो कर लिया है, और कहीं ना कहीं इससे हाथियों को जंगल में रोकना ही संभव होगा। आबादी वाले इलाके में नहीं जाएंगे तो घटनाओं में कमी आएगी, ये एक बड़ी चीज है। अब तक आवाजाही के लिए 110 गलियारों की बातचीत की जा चुकी है। 70% का नियमित रूप से हाथियां जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं, और इससे क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात है, इसका फायदा जो देखने को मिलेगा, वो जो अब तक डेवलपमेंट के इश्यूज थे, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होते थे, हो सकता है टकराना पड़ता, अब चूंकि कॉरिडोर बन जाएगा तो जो विकास के इश्यू हैं वो पर्यावरण के इश्यूज से क्या होगा, उनको टकराना नहीं पड़ेगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं 1 सेकंड रुकिए, मैं कोई पेज ले लेता हूँ। हाँ, ये ले लेता हूँ। जो डेवलपमेंट के इश्यूज थे, विकास भी करना है, लोगों को रोजगार भी देना है, डेवलपमेंट के जो इश्यूज थे पहली बार, और जो एनवायरमेंटल इश्यूज थे, मतलब पर्यावरण का भी संरक्षण करना है, तो ये एनवायरमेंटल इश्यूज या आप बायोडाइवर्सिटी इश्यूज कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी इश्यूज कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये जो कॉरिडोर है, ये जो कॉरिडोर है वो क्या है, ये सामंजस्य है, सामंजस्य है। तो ये आप बात क्यों, अगर आपसे पूछे कि इस कॉरिडोर का महत्व क्या है, तो पहला महत्व मैंने आपको बता दिया कि विकास एवं संरक्षण के बीच में ये भारत सरकार का क्या है, अपने आप में सामंजस्य है।
एक सेकंड होल्ड करिएगा, ठीक है। ये सामंजस्य है। अब इस सामंजस्य के कारण दूसरा लाभ क्या है, जो हैबिटेट लॉस हो रहा था, हैबिटेट लॉस हो रहा था किसका, जो आवासीय क्षति हो रही थी धीरे धीरे, वो आवासीय जो क्षति है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। किसकी रुक जाएगी, हाथियों की, इस गलियारा होने के कारण। क्योंकि होता क्या था, ये गलियारा है तो नॉन प्रॉफिटेड एक्टिविटीज हो जाएगी यहां पर, और इस तरह से ये दो गलियारे, तो अब यहां पर आप कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं। पहले क्या होता था, इन दोनों के बीच में होता था तो यहां पर भी अतिक्रमण होने लगता था और यहां पर भी, तो इसकी वजह से ये भी श्रिंक करता था, मतलब ये जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे सिमटता चला जाता था, और ये भी। अब क्या होगा, ये दोनों संरक्षित हो जाएंगे और इस तरह से ये चीजें क्या होंगी, यहां पर फायदेमंद हो जाएगा। तो हैबिटेट लॉस जो था, या जो आवासीय क्षति हो रही थी, उस आवासीय क्षति को भी रोका जा सकता है। तीसरा, कहीं ना कहीं जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उससे बचने का ये रास्ता है। जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, या जो संघर्ष है मानव बनाम पशु संघर्ष में, कहीं ना कहीं वह चीजें रोकने का काम करेगा। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो ये जो कॉरिडोर्स हैं, ये कॉरिडोर्स विन विन सिचुएशन कहा गया है। विन विन सिचुएशन का मतलब है कि दोनों लोगों की जीत है, किसकी, तो पीपल की भी है और एनिमल की भी है। तो एक तरह का जो मानव भी सामाजिक प्राणी है, तो उसके भी जीवन की जरूरतें यहां पर पूरी हो सकती हैं, और प्राणी के भी जीवन की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, क्योंकि जहां पर ये चीजें हैं तो ये हो सकती हैं। पांचवा, जो ये हाथियों का पोचिंग एक्टिविटीज होती थी, जो इनका शिकार होता था, उस शिकार से भी क्या हो सकता है, उस शिकार से भी बचाव यहां पर देखने को मिलता है। तो महत्व, तो अगर आपको कोई हाथी गलियारे पे पूछ ले, डेवलपमेंट इश्यूज पे, एनवायरनमेंट इश्यूज पे, सामंजस्य है, आवासीय क्षति को रोकने का एक बेहतरीन प्रयास है, मानव और व्यक्ति उसके संघर्ष को रोकने का प्रयास है, दोनों के पीपल और एनिमल का विन विन सिचुएशन के को लागू करने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर जैसी व्यवस्थाएं हैं, और पोचिंग या शिकार की घटनाओं को रोकने का भी एक तरह का एलिफेंट कॉरिडोर का एक अपना वो है। मैंने इस तरह की बातें आपको बता, यहाँ पर भारत में जो हाथी हैं, वन्य जीव का संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची एक में ये हैं, और कहीं ना कहीं साइट्स के परसिस्ट एक में भी शामिल इनको किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी गंभीरता को, किसी भी प्राणी को अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट जो है, अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अगर आप शामिल करते हैं, या फिर आप साइट्स जैसी संस्था कन्वेंशन ऑफ एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना में शामिल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उसके संरक्षण के लिए प्रयास जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप उसके छठे महत्व को लिख सकते हैं कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियमबद्ध कानून से भारत क्या है, भारत वहां पर सिग्नेटरी है, तो ऐसे में उनके संरक्षण की दिशा में बढ़ता हुआ प्रयास जो है वो भारत का क्या है, एलिफेंट कॉरिडोर्स तक की स्थापना है। और भारत एलिफेंट कॉरिडोर्स बना रखा है, लेकिन इस तरह के एलिफेंट कॉरिडोर्स और बनाना उन लोगों के जीवन को और सुरक्षित करने का प्रयास है। तो आप ये बातें यहाँ पर बता सकते हैं कि भारत में हाथी गलियारे के रूप में ये सारी चीजें आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी लोगों से फिर माफी चाहूंगा लगातार, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहा हूँ, रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ, फेस टू फेस नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी बातें कितनी समझ में आई, कितनी नहीं आई, और मेरा इंथुसियाज्म भी आपके न होने पे कम रहता है। तो कहीं ना कहीं आपकी उपस्थिति मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में रहे। तो हम लोग जो है वो मतलब इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग ऐप पे जो है, हो सकता है कि पीआईबी की क्लास 12 या 13 तारीख से, 13 या 14 तारीख से हम लोग ऐप पे करना शुरू कर दें, कि पीआईबी की क्लासेस हम ऐप पे कर रहे हैं मॉर्निंग में सेम 8 बजे। तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जो लोग नहीं किए हैं वो मेरा कोड यूज कर लीजिए, और मेरा कोड यूज करके आप अन्य लोगों की भी क्लासेस देख सकते हैं। तो ऐप पे एक ये है, दूसरा सोसाइटी की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, कम्युनलिज्म पे जो क्लासेस हैं वो कम्युनलिज्म पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, उन चीजों को फॉलो कर लीजिए। आज के लिए आप सभी लोगों को मेरा थैंक यू है, आप सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद आज इन चीज़ों के लिए, इन सभी जानकारियों के लिए जो मैंने आप लोगों तक साझा की हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है, कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है, तो आप इसके लिंक बॉक्स में जाके, जब आप ये कमेंट पूरा हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे लिख सकते हैं, और मैं वहाँ पे आपके आंसर्स को आप तक जो है उसमें मैं आपको पिन कर दूंगा, आपके आंसर्स को मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ में मुझसे जुड़ सकते हैं।
आप यहाँ पर मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, मैंने इसको दे रखा है, आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं, आपकी क्वेरीज को आप रख सकते हैं। इन सभी सूचनाओं के साथ आज के लिए धन्यवाद, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो। आज के लिए धन्यवाद।